लिखा हुआ एक्सपेंड, यहां फर्स्ट लिखा हुआ है, फर्स्ट एक्सपेंड फर्स्ट क्वेश्चन है कि टू ए माइनस फाइव बी माइनस फाइव बी माइनस सेवन सी का होल स्क्वायर, ठीक है। और सेकंड क्वेश्चन है वन बाय टू ए माइनस वन बाय फोर बी प्लस टू का होल स्क्वायर। ये दोनों को एक्सपेंड हम लोग कैसे करेंगे? एक्सपेंड मतलब होता है बड़ा करके लिख, ठीक है, यानी कि इससे आपको अगर आइडेंटिटी याद है उस आइडेंटिटी का में इस वैल्यू को पुट कर देना है, उसके बाद जो आएगा बस वही। जैसे हम लोग जानते हैं ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इक्वल होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी। यहाँ पर ए के जगह पर टू ए है, बी के जगह पर माइनस फाइव है और सी के जगह पर माइनस सेवन सी, ठीक है। इसको हम लोग कैसे बनाएंगे? फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को देखिए, फर्स्ट टू ए माइनस फाइव बी माइनस सेवन सी का होल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस फाइव बी का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यानी कि माइनस सेवन सी स्क्वायर, ठीक है, प्लस टू ए बी टू इंटू ए के जगह पर क्या है टू ए और बी के जगह पर है इंटू माइनस फाइव बी प्लस टू बी सी टू इंटू माइनस फाइव बी इंटू माइनस सेवन सी प्लस टू सी है टू इंटू माइनस सेवन सी इंटू टू ए। इस तरीके से ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर है 2a का होल स्क्वायर 4a स्क्वायर माइनस 5b का स्क्वायर 25b स्क्वायर प्लस से माइनस 7c का स्क्वायर 49c स्क्वायर और प्लस 2ab 2 2 जा 4 4 5 जा 20 प्लस माइनस 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 20ab। फिर यहाँ पर देखिए माइनस माइनस प्लस 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 हो जाएगा, यानी कि टू फाइव जा टेन टेन सेवन जा सेवेंटी कितना जाएगा सेवेंटी प्लस सेवेंटी बी सी। देखिए इसमें एक माइनस माइनस में आ जाएगा टू टू जा फोर फोर टू जा ट्वेंटी ए सी ए आपका एक्सपेंड हो गया, ठीक है, ये एक्सपेंड आपका हो गया। समझ में आया? बोलिए, समझ गए आप लोग? समझ गए आप लोग? अब क्वेश्चन नंबर सेकंड, सो ध्यान दीजिएगा, जैसे ये सेकंड नंबर क्वेश्चन है आपको वन बाय टू ए माइनस वन बाय फोर बी प्लस टू का होल स्क्वायर। ए की जगह पर वन बाय टू ए है, बी के जगह पर माइनस वन बाय फोर बी और सी के जगह पर टू है। जैसा है ए और बी के स्थान पर वैसा ही पुट कर देना है वहां। जैसे ए स्क्वायर यानी कि वन बाय टू ए का स्क्वायर बी स्क्वायर यानी कि माइनस वन बाई फोर बी स्क्वायर सी स्क्वायर यानी कि टू का स्क्वायर प्लस टू ए बी टू इंटू एक जगह पर वन बाई टू ए इंटू माइनस वन बाई फोर बी
ये हो गया प्लस 2bc, 2 इंटू बी के जगह पर माइनस 1/4b इंटू सी यानी कि 2 हो गया यहां पर। अब हो जाएगा प्लस 2ca, 2 इंटू सी के जगह पर 2 इंटू 1/2a। देखिए a स्क्वायर यानी 1/2a स्क्वायर, b स्क्वायर माइनस 1/4b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इसका मतलब 2 का स्क्वायर, 2ab, 2 इंटू a के प्लेस पर 1/2a रखेंगे और b के प्लेस पर माइनस 1/4b रखेंगे। 2bc अगला होता है क्या स्टेप, 2bc तो 2 इंटू b के जगह पर माइनस 1/4b इंटू 2 ठीक है प्लस 2ca, 2 इंटू c a के जगह पर 1/2a। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 1/2a स्क्वायर यानी 1/4a स्क्वायर माइनस 1/4b का स्क्वायर, माइनस को दो बार मल्टीप्लाई करेंगे प्लस आ जाएगा यानी कि 1/16b स्क्वायर प्लस 4। देखिए यहाँ 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल हो गया प्लस माइनस माइनस 1/4ab। यहाँ देखिएगा 2 2 जा 4 और इस 2 से 2 बच गया कट गया यानी कि पूरा कट जाएगा प्लस माइनस माइनस केवल b बचेगा, यहां से 2 कट गया यानी कि प्लस a बाय 2 हो गया आंसर, समझे बोलिए। देखिए जैसे है माइनस x प्लस 2y, इसको इस तरीके से भी मैं बना सकता हूं कैसे, a इज इक्वल टू माइनस एक्स, बी इक्वल टू 2y और c इज इक्वल टू माइनस 3। अगर ऐसे बनाएंगे 32 मत समझिएगा 3 जेड तो हमारा a प्लस b प्लस c का स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca यही होता। तो जहां जहां हमको ये वैल्यू मिल गया है इस वैल्यू को पुट कर देंगे, जैसे यहां पर a एक जगह पर क्या माइनस एक्स का स्क्वायर, b एक जगह पर 2y का स्क्वायर, c एक जगह पर माइनस 3z स्क्वायर हो गया प्लस 2ab, 2 एक जगह पर क्या है माइनस एक्स, माइनस एक्स वैल्यू रख दिए और बी के जगह क्या है 2y प्लस 2bc, 2 इंटू बी के जगह पर 2y इंटू यहां पर लिखिए प्लस 2bc, 2 इंटू बी की जगह पर 2y इंटू सी के जगह पर माइनस 3z प्लस 2ca, 2 इंटू माइनस 3z इंटू क्या माइनस एक्स, यहां पर हो जाएगा इंटू माइनस एक्स हो गया। अब देखिए वैल्यू माइनस एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, 2y का होल स्क्वायर एंड 2y इंटू 2y 4y स्क्वायर, माइनस 3z का स्क्वायर तो यहां माइनस है ठीक है तो माइनस इंटू माइनस प्लस होगा 2 टाइम्स को मल्टीप्लाई करें 3 3 जा 9 2 स्क्वायर। यहां देखिए प्लस माइनस माइनस 2 2 जा 4 माइनस 4xy, यहां देखिए 2 2 जा 4 4 3 जा 12 माइनस प्लस माइनस माइनस 12yz और माइनस माइनस प्लस 2 3 जा 6 6xz ठीक है 6x। समझ में आया बोलिए। थोड़ा सा यहां पर ध्यान देने की बात, क्या ध्यान देने की बात है कि मैं फैक्टराइजेशन भी इसका बता रहा हूं
फैक्टराइजेशन कैसे बनाएंगे थोड़ा सा मैं समझा रहा हूं, बाकी आप जो है सो देखिए कैसे। यहां देखिए एक्स में माइनस और जेड में भी माइनस, एक्स में भी माइनस है और जेड में भी माइनस। तो देखिए मेरा इसे क्या क्या प्रभाव पड़ा, यानी एक्स और जेड दोनों मिलकर प्लस हो जाए, बाकी टर्म माइनस हो जाए, है माइनस में। तो फैक्टराइज करने में ये चीज ध्यान दें, ठीक है, फैक्टराइज करने में ये चीज ध्यान दें। कैसे बनाएंगे तो देखिएगा, मेरे पास है 4x² + 9y² + 16z² + 12xy - 24yz - 16zx, हमको इसका फैक्टराइज कर दे दो। तो हम अब मैं देख रहा हूं, लिख रहा हूं यहां पर, यहां पर देखिए किसमें हमारा है माइनस नेगेटिव कौन सा टर्म। तो यहां से देखिए अगर y नेगेटिव होता, y नेगेटिव होता तो यहां पर भी नेगेटिव होता क्योंकि एक्स वाई में नेगेटिव है। अगर x नेगेटिव होता, ठीक है, x नेगेटिव होता यहां पर नेगेटिव होता, इसका मतलब मेरा z टर्म नेगेटिव है, ये बात समझिए। तो क्या करेंगे हम, हाँ? ऐसा लिख सकते हैं 2x² + 3y² + - 4z² + अब देखिए ए बी सी मेरा मिल गया है, अब वैसे ही पुट कर देना है 2 × ए के जगह पर क्या लिखेंगे 2x × बी के जगह पर 3y। देखिए तो 2 × 2 = 4, 4 = 12xy लिखा गया, वैसे ही देखते हैं ऐसे लिखे प्लस 2 × बी की जगह पर क्या लिखेंगे 3y × जेड की जगह पर लिखेंगे -4z। देखें तो मल्टीप्लाई करके 2 × 3 = 6, 6 × 4 = 24yz लिखा गया -16 + 2c, 2 × 1c क्या हो जाएगा -4z × 1 पर 2। देखिए तो 2 × 4 = 8, 8 × 2 = 16, ऐसा हो गया। यहां तक समझे तो हमारा है a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca मेरा हो गया। इसका मतलब होता है क्या, a प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा b 3y + -4z² यानी कि 2x + 3y + -4z² इसको हम लिख सकते हैं 2x + 3y - 4z × 2x + 3y - 4। बोलिए ये समझ में आया सर? हाँ, अगर हम लोग x और y दोनों को निगेटिव ले लें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्वेश्चन आपसे बनेगा, इस कारण बनेगा एक्स वाई दोनों अगर निगेटिव रहेगा तो यहां से माइनस कॉमन कर और इससे भी माइनस कॉमन कर रही तो -× - प्लस हो ही जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ऐसे कह रहे हैं सो मैं बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। जैसे आप ले रहे हैं 2x, किसको किसको कह रहे हैं बताइए, एक्स और जेड को, एक्स और वाई को सर, एक्स और वाई को, एक्स और वाई को, समझ गए, यानी जेड पॉजिटिव होगा। ऐसे आप कर रहे हैं -2x - 3y + 4z ऐसे −2x - 3y + 4z। आप आंसर ऐसे ना कर रहे हैं, इसलिए ऐसा आंसर लिखना चाह रहे हैं। अब यहां से अगर माइनस कॉमन कर लेंगे, इससे माइनस कॉमन कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2x + 3y - 4z।
यहां से भी इनटू माइनस टू एक्स प्लस थ्री वाई और माइनस फोर। अब हमारा माइनस इनटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस क्या आया, टू एक्स प्लस थ्री वाई माइनस फोर जेड इंटू टू एक्स प्लस थ्री वाई माइनस फोर जेड। कोई फर्क पड़ा आंसर में? कोई फर्क नहीं पड़ा नहीं सर, बस सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर कांस्टेंट रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता उस। इसी कारण पहले ही हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पर कौन सा निगेटिव टर्म है, कौन निगेटिव होना चाहिए, पहले ही हम लोग देख। ठीक है आदित्य कुमार, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े। बोलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे। हाँ अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं पढ़ा रहा है। देखे तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड 25x² प्लस 4y² प्लस 9z का स्क्वायर माइनस 20xy माइनस 12xy प्लस 30x इसको बनाकर दिखाइए, जल्दी से इसको हमको बनाकर आप दिखाइए सर। प्लस 30x के बाद क्या है, 30xz है, 30xz ऐसे लिखा हुआ, ठीक है आप इसको जल्दी से हमको बनाकर बताइए। सर ये क्वेश्चन में माइनस 20xy माइनस 12xy है सर। हैं सर ये माइनस 12xy, हाँ माइनस 20xy है, माइनस 12xyz, अच्छा yz, सॉरी सॉरी yz है, हाँ अब ठीक ठाक, ये आप बनाकर हमको दिखाइए। वैल्यूएट देखिए, ई वैल्यूएट फर्स्ट है 99x² और सेकेंड है 107x². देखिए इवेल्युएट करने का तरीका मैं बताया था इसको, क्या बताया था, फर्स्ट का 99x² को क्या लिख सकते हैं, 100 - 1x² या अपने आप हिसाब किताब जैसे आप चाहिएगा 90 + 9 का स्क्वायर लिखेगा, आंसर तो वही आना है, 50 + - 49 का होल स्क्वायर लिखेगा आपका, 50 + 49 का होल स्क्वायर जैसे लिखेगा आंसर तो सेम रहेगा, लेकिन हम लोग हंड्रेड इस तरह करते हैं। पहला का आंसर आया है 9801 पहला का, ठीक है सही है। देखिए 100² + b² यानी 1² - 2ab 2 × 100 × 1 यानी कि 10,000 + 1 - 200 यानी कि 10,001 - 200
कर दीजिए माइनस वन जीरो एट नाइन आ गया 9801 ये राइट आंसर। ठीक है ये वैल्यूएट में आपका ये हो गया, इसको आप लिखिए। हाँ सर, और दूसरा में आया है 11449 11449 राइट आंसर सही है। जल्दी से हिस्सा ही बताते जाओ। थर्ड का 105 का स्क्वायर क्या होगा? नहीं 115 स्क्वायर क्या होगा? 105 नहीं 15। सेकंड का देखिए 107 स्क्वायर इक्वल टू 100 प्लस 7 का स्क्वायर। ए स्क्वायर 100 का स्क्वायर, बी स्क्वायर 7 स्क्वायर प्लस 2ab 2 100 इंटू 7 यानी कि 10,100 स्क्वायर प्लस 49 प्लस 7 टू जा 1400 यानी कि 4914 नहीं ना आएगा सर? वो भी बन गया 13225 13225 ठीक है 13225 सही है। तो आप लोग इसको या स्कूल में जो 2.5 दिए हैं उसको आपको